कोरोना के प्रकोप के बाद अब हर कोई इंतजार कर रहा है तो वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन, जिसके लिए दुनिया भर में काम भी चल रहा है। भारत, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि 60% वैक्सीन का उत्पादन दुनिया भर में भारत में ही होता है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में वैक्सीन आने में बस अब कुछ ही दिनों का वक्त है, लेकिन अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन भारत में आने के बाद सभी लोगों को नहीं लगेगी। हालांकि इसका जवाब क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उनसे ये पूछा गया कि पूरे देश का वैक्सीनेशन आखिर कब तक होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए राजेश भूषण ने कहा कि पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की। उन्होंने ये कहा कि मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि जो साइंस से संबंधित विषय होते हैं अच्छा होता है उस पर चर्चा करने से पहले उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी जो है उसका पता कर लें, तब विश्लेषण करें। पूरे देश के टीकाकरण की बात हमने कभी नहीं की। दूसरी ओर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, ये अच्छा सवाल है। ये सवाल इस बात पर निर्भर करेगा कि ये टीका कितना प्रभावशाली है। जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति में 60% तक प्रभावशाली होगा, किसी व्यक्ति में ये 70% तक प्रभावशाली हो सकता है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारा मकसद है कि हम वायरस की ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करें। तो अगर हम जनता के नाजुक हिस्से को वैक्सीन दे दें और वायरस के ट्रांसमिशन को ब्रेक कर दें, तो शायद हमें पूरे देश की जनता को वैक्सीन देने की जरूरत ही ना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले उन लोगों को दी जाएगी जो रोज कोरोना वायरस से दो चार हो रहे हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्स, तमाम हेल्थ वर्कर्स मुख्य तौर पर शामिल हैं। सरकार पहले भी कह चुकी है कि मार्च तक 25 से 30 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। हालांकि हर राज्य के दावे वैक्सीन को लेकर अलग अलग हैं। दिल्ली सरकार का तो ये दावा है कि अगले कुछ महीनों में वैक्सीन के आने के बाद सभी दिल्ली वासियों को वैक्सीन दे दी जाएगी, तो वहीं बिहार चुनावों में मुफ्त वैक्सीन का वादा किया गया था। दूसरी बात ये भी है कि मास्क का रोल अगले साल भी मुख्य रहने वाला है। मास्क लगाना वैक्सीनेशन के बाद भी जारी रहेगा, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ किया है कि शुरुआत में वो छोटी सी जनसंख्या को ही वैक्सीनेशन करेंगे। इसलिए मास्क सुरक्षा देगा और इसका इस्तेमाल जारी रखना होगा, जिससे वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। तो क्या जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उनको भी वैक्सीन दी जाएगी? इस सवाल पर ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने इस पर और विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस सवाल से दो मुद्दे जुड़े हुए हैं। पहला कि अगर किसी के शरीर में पहले ही एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी हैं और आप उसको वैक्सीन देते हैं तो कहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। दूसरा, क्या हम एंटीबॉडीज देखकर वैक्सीन दें और अगर किसी के शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज हैं तो वैक्सीन बचा लें? तो जहां तक वैक्सीन से जुड़े प्रतिकूल प्रभाव का सवाल है, तो हमारे पास अच्छा खासा डेटा है जो ये बताता है कि एंटीबॉडीज पहले से विकसित होने पर वैक्सीन का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस पर चर्चा चल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO अपने सॉलिडेटरी वैक्सीन ट्रायल में ये साफ कर चुका है कि एंटीबॉडीज देखने की जरूरत नहीं है, आप वैक्सीन दे सकते हैं।